नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल ग्रीन गार्डन बुकन पर। जैसे आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो मेरे अडेनियम के बेबी प्लांट हैं जो मैंने ऑनलाइन परचेस किए थे, इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। आप चाहो तो मेरे वीडियो में निकाल के देख सकते हैं आप। तो अब मैं आपके सामने ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे अब जो ग्रो कर गए हैं तो उसमें क्या सावधानी बरतें कि जिससे प्लांट ये मरे नहीं। तो इसमें बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहें, मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे ये छोटे से गिलास में लगा रखा था मैंने, अपन को अब जी कौन सी जरूरी खाद देना है इसमें या कौन से जरूरी कार्य करना है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि पानी तो वाटरिंग अपन कब करें और कितने दिन बाद इसको करें वाटरिंग। अगर यदि अपन ने इस कंडीशन में, क्योंकि प्लांट अभी छोटे हैं, इस कंडीशन में अगर इसमें अपन ने पानी ज़्यादा डाल दिया तो ये प्लांट मर जाएंगे, सड़ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत पतली टहनी है। जो अपन लाए थे, अपन ने ऑनलाइन परचेस किए थे, तीन प्लांट परचेस किए थे मैंने जी, तो तीन प्लांट में से एक प्लांट मेरा मर गया था और जो दो प्लांट सक्सेस हो गए। अभी भी अगर इस कंडीशन में अपन ने एक जरा भी लापरवाही बरती तो ये प्लांट बिल्कुल मर जाएंगे। तो ऐसे आपने भी अगर कोई प्लांट ऐसे परचेस किए हैं तो इस कंडीशन में अगर हैं जो प्लांट इतने छोटे आपके पास भी लगे तो क्या सावधानी बरतें, मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाने का। तो आप वीडियो बने रहे, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आपने किस कंटेनर में इसको, क्या किस पॉटिंग सोइल में इसको लगाया है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि प्लांट जैसे जो छोटा है तो छोटे से कंटेनर में कोई डिस्पोजन गिलास ले लो या इससे भी छोटा कोई कंटेनर ले लो, आप उसमें लगाइए। और मिट्टी, मिट्टी कैसी लेना है कि उस टाइम पर लगाया था तो मैंने आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि अपन को इसमें रेतीली मिट्टी चाहिए, कंकड़ पत्थर वाली। आप देख रहे हैं इसमें कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी डली है बिल्कुल आपको, बिल्कुल। और मिट्टी ज़्यादा नहीं लेना है, जैसे जी गिलास मेरा जी डिस्पोजल गिलास बड़ा है तो मैंने आधा लिया है, आधे पे ग्रो करो। आपको भी ऐसे इस प्रकार से करना है, क्योंकि आधा लेना भी हाल इसको पूरी मिट्टी से भर देंगे या रेतीली मिट्टी कुछ अपन इसमें वाटरिंग करेंगे तो प्लांट को ज़्यादा पानी मिलेगा, ज़्यादा पानी मिलेगा तो प्लांट मर जाएगा। कोई सबसे अडेनियम प्लांट एक ऐसा प्लांट है इसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है। यदि अपन ने इसमें ज़्यादा पानी लगा दिया और ज़्यादा पानी दे दिया या ज़्यादा फर्टिलाइजर दे दिया तो ये तुरंत मरने वाला पौधा है, तुरंत मर जाएगा जी। अडेनियम एक ऐसा है, तुरंत मर जाएगा। एक प्लांट और था मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ, एक प्लांट और था मेरे पास जिससे इससे बेबी प्लांट पहले वीडियो आई थी, अब वो कितना बड़ा आप देख सकते हैं। ये भी मैंने देखो छोटे कंटेनर में लगाया है, अब ये गिलास है, अब ये भी मैंने छोटे इससे बड़ा कंटेनर दिया है, इसका भी देखो ये भी बड़ा हो गया है प्लांट। इसमें भी देखो मिट्टी मेरी कैसी होगी, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी होगी, आप देख सकते हैं बिल्कुल रेतीली भुरभुरी मिट्टी होगी। और जो बढ़िया ग्रोथ चल रही है इस प्लांट की भी, ये मैंने सीड से ग्रो किया था, ये मैंने सीड्स से ग्रो किया था, सीड्स लगा दिए थे उसमें से जी, बिल्कुल इससे भी छोटा पौधा था, ये इससे भी छोटा था, अब जी बड़ा हो गया। इसमें ऐसे इस तरीके से आप भी इन छोटे प्लांट की केयर करोगे तो इस प्रकार से ये भी ऐसा बड़ा प्लांट बन जाएगा। अभी भी इस प्लांट अगर इसमें लगा हुआ है अपना इस पॉटिंग सोइल में, तो अभी जी करीबन इस पॉटिंग सोइल में, इस कंटेनर में करीबन अभी एक साल चलेगा। एक वर्ष के बाद इससे थोड़ा बड़ा अपन इसको पॉट दे सकते हैं। अपन इसको गहराई, अपन को अडेनियम के लिए ऐसा पॉट देना चाहिए जो गहराई में थोड़ा कम हो और मिट्टी उसमें थोड़ी कम आए। इस प्रकार से देखो इसकी भी बढ़िया ग्रोथ चल रही है और पत्तों में देखो लीफ में कितनी बढ़िया चमक आ रही है। जैसे ही फ्लावरिंग पर आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी अपन बात कर रहे हैं छोटे प्लांट की। अब इस टाइम पर अपन को इस प्लांट में क्या सावधानी बरतें कि ये प्लांट नहीं मरे। सावधानी ये है कि अपन जो छोटे से कंटेनर में इसको अपना लगा दिया है तो इसको भी अपन फुल धूप में इसको अपन नहीं रख सकते। टेम्परेचर अपने यहाँ पे कभी कभी ज़्यादा चला जाता है, तो अभी जो प्लांट छोटा है तो करीबन इसको ऐसी जगह पे रखा जाए कि धूप इसको करीबन 2-3 घंटे की मिले, उसके बाद सेमी शेड में इसको ले लें, क्योंकि अभी प्लांट छोटा है। कोई छोटा है तो उसमें अभी पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है जी पानी, इसको अभी ज़्यादा पानी डालेंगे तो प्लांट सड़ जाएगा, ठीक है पहली बात। दूसरी बात, अब ये बिल्कुल रेतीली मिट्टी में लगाना है आपको भी, मैंने भी रेतीली मिट्टी में लगाया है। अब जैसे ही ये प्लांट
इस प्रकार से आपको दिख रहा है क्या। हाँ एक मिनट, जैसे ये प्लांट चार से पांच लीव आ जाए, देखो एक दो तीन चार पांच, चार से पांच लीव आ जाए प्लांट के अंदर, तो अपन को इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना है। अपन को अब इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र ऐड करना है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, आप वीडियो में बने रहें। तो आप इसमें काम करें, सबसे पहले तो पानी की बात हो गई, पानी अपन इसमें चार से पाँच दिन में अपन इसमें दे सकते हैं, क्योंकि ये कंटेनर छोटा है। इसमें अगर बात करें तो उसमें अपन दस दिन भी बाद भी पानी दे सकते हैं, बस शर्त ये है कि सेमी सेट में रहना चाहिए, क्योंकि प्लांट अभी छोटा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी आसान तरीका मैं आपको बताऊं, जैसा जी कॉटेज है, आप इसको हल्का सा दबा के देख लिया करो, अगर जी बिल्कुल मुलायम हो रहा है तो आप समझ लिया करो कि इसमें पानी की आवश्यकता है, अगर जी बिल्कुल टाइट है तो पानी की आवश्यकता नहीं है, पानी इसमें भरपूर मात्रा में है। अभी भी देखो बिल्कुल ड्राई मिट्टी है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें पानी नहीं डाला। अब यार देख रहे हो आप इस प्रकार से, अब जैसे कंडीशन इसकी इतना बड़ा हो प्लांट हो जाए, तो अपन को इसमें अब एक 15-20 ग्राम गोबर की खाद दे सकते हैं, या बर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, पत्तों की खाद दे सकते हैं। इसमें भी प्लांट के हिसाब से इसमें भी अपन थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं, और हर 15 दिन में या हर 15 से 20 दिन में आप ये प्लांट में दीजिए, तो आपका प्लांट हेल्दी और बढ़िया ग्रोथ करेगा। बस एक मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ मैंने शेयर करी है। दोनों प्लांट मैंने आपको दिखा दिए हैं किस प्रकार से ग्रोथ चल रही है। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो दोस्तों में मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्ते।